देवाली कॅम्प येथील कॅन्टोनमेंट बोर्डाने देश पातळीवर स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिला क्रमांक पटकावला. देवाली कॅम्प कॅन्टोनमेंट बोर्डने शहर स्वच्छता सौंदर्यीकरणावर दिलेला भर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी करोना काळातही झोकून केलेल्या कार्याची पावती म्हणून स्वच्छता सर्वेक्षणात देवाली कॅन्टोनमेंट बोर्डाने देशभरातील 62 कॅन्टोनमेंट बोर्डांमधून प्रथम स्थान पटकावले आहे. या सर्वेक्षणात देवाली कॅम्प कॅन्टोनमेंट बोर्डाने देशात प्रथम स्थान पटकावलं आहे. दिल्ली येथील तालकटोरा इंडोर स्टेडियम येथे झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह व सन्मानपत्र देत गौरव करण्यात आला. यावेळी डायरेक्टर जनरल डिफेन्स एस्टेटचे अजय कुमार शर्मा, देवळाली कॅम्प कॅन्टोनमेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए रागेश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राहुल गजबिये, आरोग्य अधीक्षक अमन गुप्ता, स्वच्छ भारत मिशन तांत्रिक सल्लागार साजेब सय्यद उपस्थित होते. त्याबद्दल डायरेक्टर जनरल डिफेन्स एस्टेटचे अजय कुमार शर्मा, बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए रागेश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राहुल गजबिये, आरोग्य अधीक्षक अमन गुप्ता, स्वच्छ भारत मिशन तांत्रिक सल्लागार साजेब सय्यद यांचा सन्मान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते करण्यात आला. देवळाली बोर्डाचे आरोग्य अधीक्षक अमन गुप्ता यांनी अधिक माहिती दिली. नमस्कार, मैं अमन गुप्ता, स्वास्थ्य अधीक्षक कॅन्टोनमेंट बोर्ड देवळाली. हमारे कॅन्टोनमेंट बोर्ड देवळाली को इंडिया में क्लीनेस्ट कॅन्टोनमेंट का फर्स्ट अवार्ड मिला है और हम बहुत ही सौभाग्य महसूस कर पा रहे हैं और हमारे लिए और देवळाली की जनता के लिए ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि एक छोटे से देवळाली को हमने एक बड़े स्तर पे जाके रिप्रेजेंट किया और हम लोगों को इस तरह का अवार्ड मिला, वो भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम के हाथों से. तो इसके लिए मैं देवळाली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमको हमेशा सपोर्ट किया. उनके सिटीजन्स फीडबैक जो थे हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमारे फीडबैक को वहाँ ऊपर मिनिस्ट्री तक पहुँचाया और साथ ही हमारे जितने भी सफाई मित्र जो हमारे साथ जुड़े थे काम करने के लिए, हमारे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो प्रोवाइड कराए गए थे सफाई मित्र, उनकी एक एक मेहनत और लगन के कारण उनकी जो जितनी भी उन्होंने मेहनत करी वो हम लोगों को इस रैंक में लाने में रंग लाई है. और मैं साथ ही ये भी हमारे ब्रिगेडियर साहब और साथ ही प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड ब्रिगेडियर ए रागेश सर, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा. उनका गाइडेंस और प्लस साथ ही सपोर्ट वो हमारे, और साथ में सीओ साहब जो हमारे हैं डॉक्टर राहुल गजबिये सर, इनका सपोर्ट हमारे हेल्थ सेक्शन को हमेशा मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, मैं उनसे आशा करूँगा. देवळाली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर सिटीज़न फीडबैक में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से आज हमारा देवळाली गार्बेज फ्री सिटी 3-स्टार रेटिंग में हासिल कर पाया है. और साथ ही ODF +++ जो है, हम लोगों ने एक जो हमारे देवळाली के हिसाब से बहुत ही हाईएस्ट जो पैरामीटर्स थे ODF +++ और GFC 3-स्टार, वो हम लोगों ने उसको अचीव कर लिया है. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अधीक्षक अमन गुप्ता, आरोग्य निरीक्षक शिवराज चव्हाण, आरोग्य निरीक्षक अतुल मुंडे, स्वच्छ भारत मिशन तांत्रिक सल्लागार शाजेब सय्यद, पर्यवेक्षक विनोद खरालिया, धीरज डुलगज, रोहिदास शेंगडे, सोमनाथ कडभाने, सोमनाथ निसाळ, अशोक गायकवाड, अशोक साळवे, राजू जाधव, वसीम खान, गौतम सारस यांना केलेले मार्गदर्शन आणि शासकीय कंत्राटदार NH पटेल यांचे सुपरवायझर व कामगार यांनी परिश्रम घेतले. एनसीएलन्यूजसाठी प्रतिनिधी भारत चव्हाण, देवळाली कॅम्प.